वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स है। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था ओरिएंटेशन इन बेंजीन। उसमें हमने देखा था कि अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो फिर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम उसे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बेंजीन पे कोई ग्रुप लगता कैसे है। ठीक है, तो देखो बेंजीन के जो मेन रिएक्शंस हैं बेटे वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके लग सकता है, न्यूक्लियोफाइल आके नहीं लग सकता, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड घूम रहा होता है। ठीक है, अब बेंजीन के जो पाँच बुनियादी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं वो ये है। दिस इज हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन में देखो ये रहा बेंजीन, जब इसका हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, दैट इज लुइस एसिड कैटलिस्ट FeX3 या ALX3 भी आप यूज कर सकते हैं, तो होगा क्या, बेंजीन में से H निकलेगा, उसकी जगह पे आके X लग जाएगा। X इज हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन ये दो हो सकते हैं। फ्लोरिनेशन हम नहीं करते क्योंकि इट इज वेरी विगरस, एंड आयोडिनेशन भी नहीं करते, बहुत ही स्लो होती है। तो पता ये चला कि हम हैलोजन बेंजीन पे एक स्टेप में डायरेक्टली लगा सकते हैं। फिर नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कराएं तो बेंजीन पे NO2 लग जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है नाइट्रो बेंजीन, यानी कि NO2 भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली लग सकता है। उसके बाद सल्फोनेशन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर है सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का, अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन पे SO3H लग जाएगा। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी डायरेक्टली बेंजीन पे लग जाएगा। उसके बाद R ग्रुप बेंजीन पे लगा रहे हैं, R इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब CH3, C2H5, C3H7, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे लगाना है तो आप रिएक्शन कराओगे किससे, अल्काइल हैलाइड से, अगेन लुइस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, CH3 R की जगह पे लगाया, एंड दैट इज टॉलीन, यानी कि हम अल्काइल ग्रुप भी बेंजीन पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। एंड लास्ट इज एसाइलेशन, एसाइलेशन में बेंजीन के ऊपर हम एसाइल ग्रुप लगा रहे हैं और ये एसिड हैलाइड और लुइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। इससे जो हमारे पास जो R की जगह देखो मैंने CH3 लगा दिया ना, ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज एसिटोफिनोन। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम बेंजीन डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन इन वन स्टेप, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, बिग क्वेश्चन इज, हाउ वी प्रिपेयर दीज कंपाउंड्स लाइक फिनोल एंड बेंजोइक एसिड एंड मैनी अदर कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। ये कंपाउंड्स बेंजीन से कैसे बन सकते हैं, ये पांच वो बुनियादी कंपाउंड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 विच यू कैन सिंथिसाइज डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन, जो आप बेंजीन से डायरेक्टली बना सकते हैं। मगर ये कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं भाई, ये है जो कि एनिलीन कहलाता है, फिनोल बेंजोइक एसिड एनिलीन, ये बेंजीन से डायरेक्टली कैसे बन सकते हैं। तो इन तमाम बातों का जवाब ये है कि भाई ये बेंजीन से डायरेक्टली नहीं बन सकते, दे प्रिपेयर इनडायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन। इसमें हमारे पास स्टेप्स ज़्यादा होंगे, इनमें से कोई ग्रुप पहले लगेगा, उसके बाद आप उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये ग्रुप्स डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ सकते। ठीक है जनाब, तो अब ये कैसे बनेंगे ये बात हमने डिस्कस करनी है अब फर्दर। अब ये चंद एक कंपाउंड्स मैंने लिख दिए यहाँ पे बेटे, इनको हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन, लेकिन पहले पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स डायरेक्टली लग सकते हैं। पहला कंपाउंड है बेंजोइक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, प्रिपेयर बेंजोइक एसिड। सेकेंड है पैरानाइट्रोटॉलीन, तीसरा है मेटानाइट्रोटॉलीन, चौथा है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, और पांचवा और आखिरी क्या है, फिनोल। ये वो पांच कंपाउंड्स हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, और अगेन इनमें से बेंजोइक एसिड बेंजीन पे COOH, और हमने जो भी बताए थे पांच रिएक्शन उनमें से कोई भी डायरेक्टली बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ने वाले किस वही लोग हैं हमारे पास, वही ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स अब हमने बेंजीन पे लगाने हैं। अब सबसे पहले क्या बना रहा हूँ मैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नंबर वन किससे बनाना है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना। ये मैंने सबसे पहले तो अपना बना लिया, जो स्ट्रक्चर जो लिखा है मैंने, ये मैंने मैप बनाया, ये मैंने अपना टारगेट बनाया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल आई हैव टू प्रिपेयर दिस मॉलिक्यूल, मुझे इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक पहुंचना है। अब याद रखो बेटे, पांच जो रिएक्शन थे उसमें हम बेंजीन पे हैलोजन लगा सकते हैं, NO2 लगा सकते हैं, SO3H लगा सकते हैं,
अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, एसाइल ग्रुप लगा सकते हैं। सी डबल ओ एच डायरेक्ट लगाने का कोई तरीका नहीं है। तो याद रखें, कभी भी बेंजोइक एसिड बनाना हो बेटे तो आपका पहला स्टेप सी डबल ओ एच डायरेक्टली नहीं लगता, याद रहेगी अब ये बात। तो कभी भी सी डबल ओ एच बेंजीन से लगाना है, बेंजीन से जोड़ना है, पहला स्टेप होगा मिथाइलेशन। हम बेंजीन से जोड़ेंगे मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? सी एच थ्री। क्या ये बेंजीन से लग सकता है डायरेक्टली? जी। इससे पहले जो हमने बात की है अभी, उसमें जो चौथे नंबर पे अल्काइलेशन था, आर जो लगा था, वो हम काम करेंगे और आर की जगह पे अब क्या लगाएंगे? सी एच थ्री। तो जनाब वाला बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे सी एच थ्री सी एल से। वहाँ पे मैंने एफ ई एक्स थ्री लिखा था, मतलब कि हमें फेरिक क्लोराइड यूज़ करना है, या हम एल्युमिनियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एल सी एल थ्री लिया, अगर यहाँ मैं बी आर लेता तो मैं यहाँ पे बी आर लेता, लेकिन हम क्लोरीन से काम करेंगे। होगा क्या बेटे? बेंजीन से एच निकलेगा, उसकी जगह पर सी एच थ्री लग जाएगा और टॉलिन प्लस एच सी एल बन जाएगा। ठीक। अब सवाल ये, सर हमें तो सी डबल एच लगाना था, आप सी एच थ्री लगा दिए। तो भाई जवाब ये है, सी एच थ्री हमने इसलिए लगाया है कि बगैर सी एच थ्री लगाए सी डबल एच लग ही नहीं सकता। अब फर्दर काम करना पड़ेगा जनाब, और वो फर्दर काम क्या होगा? हमें करनी पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन, जिसके लिए हम यूज करेंगे एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 जो है बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करेगा किसकी? टॉलीन की। और टॉलीन टॉलीन नहीं रहेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH। तो भाई क्या सीखा? कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन पे डायरेक्टली नहीं लग सकता, इनडायरेक्टली लगा दो, लेकिन पहले जो पांच ग्रुप्स बताए हैं वही ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी बेंजोइक एसिड बनाना है तो भाई फिर क्या करोगे? पहले क्या करोगे? टॉलीन बनाओगे, टॉलीन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। नाउ द सेकेंड वन इज पैरा नाइट्रो। पी लिखा हुआ नहीं, ये पैरा है, एम है, ये मेटा है, पी पैरा है। पैरा नाइट्रो टॉलीन बनाना है भाई, किससे बनाना है? ये भी बेंजीन से। ये आ गया टॉलीन, सी एच थ्री बेंजीन पे लगा तो क्या होता है भाई? टॉलीन। पैरा नाइट्रो, पैरा पोजिशन कौन सी होती है? लास्ट लेक्चर में समझाया है बेटे, जहां पे ग्रुप लगा होता है उसका बिल्कुल अपोजिट पोजिशन पैरा। सी एच थ्री लगाना है और एनओ टू लगाना है। ठीक। अब दो ग्रुप्स लगाने, इसका मतलब क्लियर है बड़ा कि ये तो दो स्टेप्स में होगा, दो से कम स्टेप्स में ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे अब लगाना है सी एच थ्री बेंजीन पर और एनओ टू भी लगाना है। सवाल ये है, पहले सी एच थ्री लगाएं कि एनओ टू लगाएं? तो जवाब, आपको प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? पैरा प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले पैरा डायरेक्टर बेंजीन पे लगाओ। कौन सा लगाओ? पैरा डायरेक्टर। सी एच थ्री और एनओ टू में से पैरा डायरेक्टर कौन सा है? तो याद कर लीजिए, जो ग्रुप्स बताए गए हैं उसमें हमने याद किया था सी एच थ्री जो है वो पैरा डायरेक्टर है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक और ट्रिक बता देता हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पहचानने की। देखो, इसमें बेंजीन से डायरेक्टली कौन अटैच है? सी। इसमें बेंजीन से डायरेक्टली कौन अटैच है? एन। ठीक है, सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एच। अब कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? कार्बन की। तो याद रखो, जो ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने साथ मौजूद एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा हो तो वो ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। जैसे कार्बन है ना, कार्बन के साथ अगर एच लगा हुआ है तो उसकी अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कार्बन से कम है, तवज्जो से सुनना दोबारा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कार्बन क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। इधर आओ, एन देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो NO2 है ये कौन सा हो गया? मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो अगर जो ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है उसके साथ जो एटम्स हैं वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जैसे कि NO2, ये आपके पास मेटा डायरेक्टर होगा। और अगर आपके पास जैसे कि CH3 लगा हुआ है, इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है मेन ग्रुप, लेकिन इसके साथ एच लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। जिस बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल अलग से बता रहा हूं, CF3NH2, इनमें से अगर कोई बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बताओ कौन सा ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होगा? कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन से डायरेक्टली,
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कौन सा हो जाएगा? मेटा। ये हालांकि क्या है? ऑर्थोपैरा। इधर आ जाओ, एन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एच। एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपैरा। ठीक है, अब हमने पैरा नाइट्रोटोलीन बनाना है बेटे, तो याद रखेंगे पहले इन दोनों में से कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, जो पैरा डायरेक्टर, और हमने सीख लिया सी एच थ्री पैरा डायरेक्टर है, तो इत्तेफाक ऐसा है कि इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा? मिथाइलेशन, वो हुआ भाई। अब दूसरा स्टेप मैंने जोड़ना है बेंजीन से NO2। क्या जोड़ना है बेटे? NO2। NO2 जोड़ने के लिए क्या करेंगे? नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करनी है तो बड़ा ही आसान सा काम है। अभी मैंने आपको बताया था किसकी नाइट्रेशन करनी है, टॉलीन की हो रही है। अब इस टॉलीन की नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में CH3 कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा। अब क्योंकि हमसे पैरा प्रोडक्ट कहा हुआ है तो हम ऑर्थो यहां पे शो नहीं करेंगे, हालांकि ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, दैट इज पैरा नाइट्रोटोलीन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटा नाइट्रोटोलीन, एम नाइट्रोटोलीन। मेटा पोजिशन, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका एक कार्बन छोड़ के जो अगला कार्बन होता है वो होता है मेटा। दिस इज मेटा नाइट्रोटोलीन। अब पहले कौन सा ग्रुप लगाएं? अगर अब की बार भी आपने पहले कर दी अल्काइलेशन यानी कि मिथाइलेशन, सी एच थ्री लगा दिया, फंस जाओगे, क्योंकि सी एच थ्री जो है वो कट्टर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, ये बेटा डायरेक्टर नहीं है। तो भाई अब क्या करें? क्या ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता? बन सकता है बेटे, लेकिन अब की बार रिएक्शंस की सीक्वेंस बदल दो, रिएक्शंस की सीक्वेंस बदल दीजिए। अब आप पहले क्या करेंगे? नाइट्रेशन। अब की बार पहले क्या होगी? नाइट्रेशन। कैसे करते हो नाइट्रेशन? HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में बन गया जी नाइट्रोबेंजीन। अब CH3 लगा देंगे। CH3 लगाने के लिए स्टेप क्या क्या लाएगा? मिथाइलेशन। CH3 लगाने वाला स्टेप क्या क्या लाएगा भाई? मिथाइलेशन। मिथाइलेशन किसकी करेंगे? नाइट्रोबेंजीन की। जब होगी नाइट्रोबेंजीन की मिथाइलेशन, यस, NO2 अभी बताया है बेटे, अभी समझाया है कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर। ये CH3 को कहां डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन पर। बन गया प्रोडक्ट। लेकिन अब फौरन से एक सवाल है, सर बनाना तो ये था, हमने तो ये बना दिया, बेटे दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। ये भी मेटा नाइट्रोटोलीन है, ये भी क्या है? मेटा नाइट्रोटोलीन। तो क्या सीखा? याद रखो, जब ऑर्थो पैरा लिखा हुआ हो तो पहले वो ग्रुप लगता है जो जिस जगह पे भेजना है, पैरा पे भेजना था ना, तो पहले कौन सा ग्रुप लगाया? पैरा डायरेक्टर। जब मेटा पे भेजना है तो पहले क्या लगाएंगे? जो मेटा डायरेक्टर। ठीक है जनाब, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। भाई पहले तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? और इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 लगेगा। ठीक है, अब एक बात तो बच्चे बड़े क्लियर हो गई, बड़ी क्लियर होनी चाहिए एक बात आपके जहन में, कि जब आपको बनाना है पैरानाइट्रोटोलीन, सॉरी पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कोई सा भी हो, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, सिंपल बेंजोइक एसिड, कोई सा ऑर्थो पैरा ब्रोमो क्लोरो, कोई सा भी बेंजोइक एसिड बनाना हो ना, तो उसके लिए एक मेरी बात जहनों में रख लो, बिठा लो, हमेशा पहला स्टेप मिथाइलेशन होगा। कोई सा भी बेंजोइक एसिड बनाना है, पहले मिथाइलेशन करा के
CH3 लगा देना, ठीक है। वो कैसे लगेगा अभी हमने सीखा है, CH3Cl से रिएक्शन लुइस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेटे टॉलीन बन गया, HCl बन गया। दूसरा स्टेप अगर आप यहाँ पर पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड बना रहे हैं ना, अब अगर आप सोचते हैं कि सर हम बना देते हैं बेंजोइक एसिड, टॉलीन से बेंजोइक एसिड हमने भी बनाना सीखा था और क्या की थी उसकी ऑक्सीडेशन, ये समझना है सिर्फ, इसीलिए ये ख़ास तौर पे करा रहा हूँ। आपने इसकी ऑक्सीडेशन करा के क्या बना लिया बेटा, बेंजोइक एसिड बना लिया, कोई मसला नहीं है। पहले वाले में सिखा चुका हूँ कि टॉलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, लेकिन हमने क्या बनाना है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो अब अगर बेंजोइक एसिड बना लिया तो भाई COOH कौन सा डायरेक्टर है, अगर लास्ट लेक्चर याद है उसमें ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर बताए थे, नहीं याद तो आज की बात ही याद कर लो। ग्रुप कौन जुड़ा हुआ है बेंजीन से डायरेक्टली, कार्बन, उसके साथ नेक्स्ट एटम कौन है, ऑक्सीजन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, क्योंकि जो ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके साथ जो एडजेसेंट एटम है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए COOH कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर। मुझे तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, अगर मैं इस बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करूंगा तो भाई बेटे हमेशा क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं टॉलीन की ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड नहीं बनाऊंगा, फिर क्या करें सर, आसान सी बात है बेटे, हमें क्योंकि पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम पहले ऑक्सीडेशन नहीं करते भाई, फिर क्या करें, हम पहले करेंगे यहां एक चालाकी, एंड व्हाट इज दैट चालाकी, द चालाकी इज हम करेंगे पहले टॉलीन की नाइट्रेशन। बात पे तवज्जो दो भाई, टॉलीन की करेंगे नाइट्रेशन, कौन लगा हुआ है बेंजीन पर, CH3 अभी सिखा चुका हूं कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये NO2 को कहां भेजेगा, ये तो पैरा पे ही भेजेगा, ये तो पैरा पर ही भेजेगा सर, ठीक है भाई, पहुंच गया NO2 पैरा पे, यहीं पहुंचाना था, अब कर दो ऑक्सीडेशन। अब क्या कर दो बेटे, ऑक्सीडेशन कर दो, हो गया काम। क्या करेंगे, ये जो बना है थोड़ी सी भाई जगह कम है यहाँ पे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, ये जो पैरा ये छोटा छोटा करके लिख देते हैं, ये NO2 है, ये रहा पैरा नाइट्रोटॉलीन, मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा, इतनी कैमरे की हमारे पास एबिलिटी है कि वो इसको देख ले, इसकी करा दो ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड KMnO4 से। तो मेरे बेटे इससे क्या होगा, NO2 को कुछ नहीं होगा, CH3 जो था वो COOH में कन्वर्ट। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिनोल खुद करना है, असाइनमेंट है, खुद करो, किताब में ढूंढोगे चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, डाउज मेथड फिनोल की प्रिपरेशन। हिंट दे रहा हूं, OH लगाना होता है ना फिनोल में, ये होता है फिनोल, बेंजीन से OH जोड़ना है, OH बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता, ये मत सोचना बेंजीन को NOH से रिएक्शन कराएंगे फिनोल बन जाएगा OH अलग, ना भाई, OH न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन के पास पॉजिटिव चीज़ें जाती हैं, OH नेगेटिव होता है सबको पता है, ठीक है जी। तो OH बेंजीन के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले बनेगा क्लोरोबेंजीन, बाकी किताब से देखना है चैप्टर नंबर 9 से। कौन से टॉपिक में, फिनोल की प्रिपरेशन में, डाउज मेथड में, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो भाई बेंजीन के डेरिवेटिव्स में क्या सीखा हमने, एक बार जल्दी से रिव्यू कर रहा हूं। सबसे पहले बेंजीन से कुछ कंपाउंड्स डायरेक्टली बन सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स डायरेक्टली नहीं बन सकते, पांच कंपाउंड या पांच तरह के ग्रुप्स हम बेंजीन पर डायरेक्टली लगा सकते हैं, हैलोजन्स, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, इसके अलावा अल्काइल ग्रुप्स और एसाइल ग्रुप्स। दीज फाइव्स कैन बी अटैच टू बेंजीन डायरेक्टली, अदर ग्रुप्स कैन नॉट बी अटैच डायरेक्टली, दूसरे ग्रुप डायरेक्टली नहीं लग सकते, उन्हें लगाने के लिए पहले बेंजीन पे कुछ और लगाना पड़ेगा और फिर साथ में आपको उसके साथ कोई रिएक्शन करके, कोई साइड चेन रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट करेंगे। या ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर वाली बात है तो उसमें ख्याल क्या रखना है, अगर पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो पहले कौन सा डायरेक्टर लगाओ, पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो और मेटा ग्रुप लगाना, मेटा ग्रुप मोट मेटा पे लगाना है ग्रुप, तो क्या करोगे पहले, मेटा डायरेक्टर लगाओगे, याद कर लो ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर, नहीं याद हो रहे
हिंट्स लास्ट क्लास में भी ट्रिक सिखाई थी, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज भी लेक्चर बताया है, फिर बता रहा हूँ कि अगर जो ग्रुप बेंजीन से, कोई भी ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, उसमें जो एटम बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो अपने पड़ोसी एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे कि कार्बन अपने पड़ोसी ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये COOH मेटा डायरेक्टर है। लेकिन अगर जो ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है उसमें जो एटम बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके जो साथ वाले एटम्स हैं वो बेंजीन से अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ये देख लो COOH मेटा डायरेक्टर है, हालांकि इसमें भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें भी कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन के साथ इसमें कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी बुनियाद पर यह मेटा डायरेक्टर है। इसमें कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हुए ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालने की। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, थोड़ी सी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिए क्योंकि हमारे पास एडिटिंग, मैं ही खुद ही करता हूँ एडिटिंग, और आपको पता है मेरी कंप्यूटर की स्किल्स बहुत ही ख़राब हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।